फ्रेंड्स, मैं बस ऐसे निकला था घूमने के लिए, थोड़ा सा जगह देखने के लिए। तो घर से थोड़ा सा बाहर आया तो यहाँ पे नदी है, सोचा कि नदी की तरफ चला जाओ, तो यहाँ पे आया तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देख के। ये वाला साइड पे तो पूरा पेडी फील है और ये वाला साइड पे तो नदी है और बीच में रोड है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो चले बाहर में जाते हैं। और यहाँ से एक चीज़ दिखा देता है, मैं अभी यहाँ से यू टर्न लेता हूँ और आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं आप लोग को बोल रहा था वो चीज़ है पूरा सामने पे, देखिए पूरा ये स्नो दिखाई दे रहा है, स्नो का पहाड़, जो कि आई थिंक ये तवांग है, बुमला पास, तवांग, ये सब है ये। क्योंकि यहाँ से अरुणाचल क्योंकि यहाँ से अरुणाचल ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ से बुमला पास भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सब तेजपुर होके जाते हैं। और यहाँ पे ब्रिज भी दिखाई देते हैं, ये ब्रिज कल मैंने क्रॉस करके आया था। और यहाँ से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि स्नो वाला माउंटेन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जाऊंगा कभी कभी नहीं, जल्द से जल्द प्लान करने के लिए कोशिश करूंगा इस विंटर में जाने के लिए तवांग पे, देखते हैं क्या होता है। तो आगे भी मिलते हैं। एक ट्रक आ रहा है, बहुत ही धूली उड़ाते हुए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेत ही रहते हैं ना, तो पूरा धूली उड़ाते हुए आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है ये भी। अभी मुझे पूरा धूली धूली कर देगा ये ट्रक। सो फ्रेंड्स, तो अभी आ गए मैं घर पे, तो अभी बैग ले लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के लिए निकलते हैं। कहाँ कहाँ है प्लानिंग तो बहुत सारा है, लेकिन देखते हैं कि कितना तक पूरा होता है। सो फ्रेंड्स, तो अभी निकल गए हम लोग नहीं, मैं घर से। तो अभी जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएंगे। बाप रे, हेलमेट लगाया, अभी इतना गर्मी लग रहा है ना। अभी मुझे यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से लेफ्ट जाने से जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते पे चला जाऊँगा। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जो लोकेशन है लोकेशन का नाम ही भूल गया। तो अभी याद आया, मोरीसुट्टा। तो अभी मुझे मोरीसुट्टा यहाँ से 5.9 किलोमीटर शॉर्ट रहा है। 2000 years later. अभी भी क्या हो गया बोलने से फ्रेंड्स, मैं जो रोड पे आया हूँ वो रॉन्ग रोड है। मैं फिर से गलती वाला रोड पे घुसा गया। या तो गूगल मैप में जब मैंने सर्च किया था तो मोरीसुट्टी लिख के आया, लेकिन यहाँ पे जब लोकल स्टॉप को पूछा तो मोरीसुट्टी नहीं, मोरी खुद ही बोला। और जो लोकेशन में मैंने दिखाया उनको तो ये वाला नहीं है, मोरीसुट्टी यहाँ से अभी दूर है थोड़ा बहुत। जो मैंने लोकेशन में सर्च करके आया था ये वाला नहीं है, ये अलग ही है भैया। ये मोरीसुट्टी जाने वाला रास्ता कौन सा है? हाँ, इधर से राइट ना। हाँ, सीधा ठीक है भैया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूँ मोरीसुट्टी। मोरीसुट्टी जो चराली है उससे मैं अभी लेफ्ट पे आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, तो अभी निकले हैं भैया का घर से हम लोग सिरोसा जाने के लिए, जो कि सुबह में मैंने बताया था। तो सिरोसा यहाँ से 20 किलोमीटर, और सिरोसा जो है वो अरुणाचल में पड़ता है, लेकिन हम लोग बॉर्डर तक जाएंगे। तो सिरोसा वैसे तो पिकनिक स्पॉट है वो, और जहाँ भी बहुत सुंदर है, मुझे यहाँ पे बहुत रिकमेंड किया कि वहाँ पे जाओ सिरोसा। तो अभी पहुंच गए हम लोग अरुणाचल बॉर्डर पे, ये रहा बॉर्डर। तो देखते हैं अभी अंदर पे जाने देता है कि नहीं। तो पूछ के जाना पड़ेगा ना, ऐसे निकल जाते हैं।
कोई भी नहीं है। चेकिंग है, जाने देगा उधर है, चलो उधर जा, इधर जाके भी क्या करेगा। बाप रे इतना तेज धूप दे रहा है ना सामने से। तो अभी सिरसा का रोड पे यानी कि पिकनिक स्पॉट पे थोड़ा बहुत डैम की तरह ही है, तो ना डैम ही है। सो फ्रेंड्स, ये है सिरसा का जो एक ब्रिज है जो कि लगभग देखने में थोड़ा बहुत ये डैम की तरह लगता है, लगभग नहीं सिमिलर टू डैम है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सिमिलर टू डैम की तरह बनाया गया है। और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, ये हर जगह में आपको पिकनिक खाते हुए आदमी लोग ही मिल जाएगी। यहाँ पे भी कुछ लोग है पिकनिक खाते हुए और उस कोने पर भी है। और मेरे साथ अभी, मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ एक भाई भी आया है जो भाई का नाम है अश्विन, तो वो ही मुझे लेके घुमा रहे हैं अभी। नूर भैया है उसका घर से भाई और हम दोनों आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के लिए। तो यहाँ से अभी देखा था आप लोग को अरुणाचल बॉर्डर तक भी हम लोग जाके आए, लेकिन पास बनाना पड़ेगा फिर झमेला कौन करते रहेगा, और जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, उधर तो कुछ भी नहीं है। अगर जाना है तो बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा और इतना दूर नहीं चलते। बस ये सिरसा बहुत लोगों ने रिकमेंड किया इसलिए यहाँ पे आए। तो सामने पे एक बोलेरो आ रहा है, तो वो आने से पहले हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। चलिए पहले निकल लेते हैं यहाँ से। हाँ, थोड़ा देर और रुकना था लेकिन ये बोलेरो वाला भाई साहब आ गया। निकलते हैं अभी वहाँ से ब्रिज से, तो अभी घर के लिए चलते हैं, शाम भी हो गया है। और बीच में इतना खास तो था नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा जगह है पिकनिक स्पॉट के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। चलो तो अभी घूम फिर के आ गए घर पे, घर बस पहुँचने वाला है, सामने पे है। ठंड भी थोड़ा लगना शुरू हो गया। ये देखो भैया यहाँ पे गाय चरा रहा है। सो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं अभी मैं घर भी पहुंच चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अभी 5 हो गया, तो विंटर का सीजन में तो जल्दी अंधेरा होता ही है। तो अभी भैया भाभी ने चाय बनाया तो चाय पी लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि दिन में जब मैं आया था उस समय इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, मैं भी इधर उधर करके भूल गया। तो यहाँ पे भाभी ने चाय बनाया और भैया अभी चाय पी रहे हैं, और भैया को तो पहचानते हो गए आप लोग। और ये है भाभी, तो भाभी ने अभी बहुत प्यार से चाय बनाया है, तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि दिन में जब मैं आया था तो उस समय इंट्रोड्यूस भी करवाया नहीं।
इंट्रोड्यूस भी करवाया नहीं, और कल सुबह दिखाते हैं अच्छे से, भैया का घर भी दिखाते हैं, है कि नहीं भैया? तो चलिए अभी चाय शाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो वीडियो भी ज्यादा लंबा हो गया है, पहले एंड कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा लास्ट वाला सीन है, कल ही मिलते हैं कल वाला वीडियो में, कल देखते हैं कहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं। चलिए।